मेरे जी से सवाल कर रहा है, वो सुन रहे क्या, वो कैसा पूछ रहे हैं? मेरे जी मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना था कि भाई जो बीबीसी की रिपोर्ट वगैरह जो वायरल का जो जो इंसिडेंट हुआ और जेएनयू में भी समझो 12 जन को गिरफ्तार किया गया था, उनको भी बेल वगैरह अभी तक मिली नहीं है, और जामिया मिलिया में भी सेम इंसिडेंट हुआ, तो मैं ये पूछना चाहता था लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर ये जो बीबीसी की रिपोर्ट जो भी वायरल वगैरह हो रही है हमको एटलीस्ट देखना है, तो आईटी एक्ट के जरिए कौन सा ऐसा लॉ है कि हम लोग भी एटलीस्ट वो देख सके और हमको भी समझ में आए कि एग्जैक्टली बीबीसी में रिपोर्ट में क्या कहा गया मोदी जी के बारे में? मेरी जी हाँ मेरी बात सुन रहे हैं? जी जी मेरी बात आप पहुंच रही है आपको? यस सर, यस वेरी क्लियर, ओके थैंक यू। अभी ये जो बीबीसी का जो डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बैन किया है वो सेक्शन 69 इनकम टैक्स एक्ट और अंदर जो रूल्स ब्लॉकिंग रूल्स बनाए हैं उसमें किया है, बराबर, लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो श्रेया सिंघल का निर्णय था जिसमें कहा गया, जिसमें इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में चर्चा हुई है, उसमें कहा गया है कि ये आप इमरजेंसी पावर तभी यूज कर सकते हैं जब आप उसके रीजंस बताओ कि क्यों कर रहे हैं, रीजंस रिकॉर्ड करो, रीजंस बताओ। आज तक हमें किसी को भी बता तो, और वो क्या करते हैं कि वो रीजंस कभी ना बताते हैं, ऊपर कॉन्फिडेंशियल ऐसा एक छप्पा मार देते हैं, फॉर कॉन्फिडेंशियल पर्पसेस विल नॉट रिवील द रीजंस। तो ये जो पूरा किया गया है वो मेरे ख्याल से पूरा गलत, एक तो कानूनी तौर से गलत है, जस्टिस तौर से भी गलत है, क्योंकि और इसको चैलेंज करना चाहिए। अभी शायद बीबीसी वाले चैलेंज नहीं करेंगे तो उनको उनका कुछ अपना ये होगा, सोचना होगा कि क्यों चैलेंज करना, क्यों नहीं चैलेंज करना, लेकिन और किसी ने तो चैलेंज करना चाहिए। क्योंकि दूसरी बात यह है कि आप तभी बैन कर सकते अगर पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी का सवाल, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का सवाल, और इसमें सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का क्या सवाल है? 2002 में आपने जो किया वो दिखा रहे हैं उसमें सिक्योर, उसके ऊपर कई फिल्में बनी है, कई डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, कई लोगों ने किताबें छापी है, कई लोगों ने किताबें लिखी है, तो उसमें सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का सवाल आ ही नहीं सकता है। लॉ एंड ऑर्डर का भी सवाल नहीं है, ऐसा नहीं है कोई लोग रास्ते में उतरे और बोले कि ये बंद करो, ऐसे लॉ एंड ऑर्डर का भी सवाल होता और मोरालिटी का भी सवाल। तो ये जो बैन किया है बीबीसी का जो फर्स्ट वॉल्यूम, मेरे ख्याल से सेकंड वॉल्यूम जो है वो सेकंड पार्ट है वो बैन नहीं किया है, फर्स्ट पार्ट जो है वो बैन किया है, मेरे ख्याल से ये बैनिंग है वो पूरी तरह से लीगली गलत है और इसे चैलेंज करना चाहिए। थैंक यू।